वेलकम टू माई चैनल इनक्रेडिबल कुकिंग। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पाव पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। जब हमारे पास पाव बच जाते हैं बाद में, तो उसके बाद हम उससे टेस्टी स्नैक बना सकते हैं, और वो कैसे बनाएंगे उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। ये मैंने पाव लिए हैं, बॉइल्ड कॉर्न, नमक, चॉप्ड कैप्सिकम, कैरेट, मिर्च, टोमेटो केचप, पनीर, बटर, पिज़्ज़ा सॉस, ड्राइड हर्ब्स, मोज़रेला चीज़। हम एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म करते हैं, फिर उसके बाद हम चॉप्ड वेजिटेबल्स डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम सब्जियां डालेंगे। सॉल्ट, टोमेटो केचप, पिज़्ज़ा सॉस। सॉसेस ऐड करने के बाद ड्राइड हर्ब्स डालेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च। अब सब्जियों को 2 से 3 मिनट भूनेंगे, जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए, और फिर गैस बंद कर देंगे। हमारी सब्जियां स्टॉक फ्राई हो रही हैं, तब तक हम ये जो पाव है इसमें हम होल करेंगे, जिससे कि हम ये सब्जियां इसमें भर सकें। होल करने के पहले चाकू से गोला बना लें, और फिर उसके बाद ये आराम से निकल आएगा इसका। ऐसे ही मैं बाकी होल्स भी कर लूँगी। हम पनीर को मैश करके डालेंगे और ऐड करेंगे इसमें। पनीर अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमारी स्टफिंग है पाव की, वो रेडी है। अब हम गैस बंद कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारी स्टफिंग रेडी है, हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसे पाव में फिल करेंगे। जो थोड़ा सा ब्रेड निकला है, इसको आप जो है ब्रेड क्रम्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इसमें होल कर लिया है, अब हम इसमें जो है बटर लगाएंगे। अंदर की तरफ ऐसे ही मैं सारे बटर इसमें लगा लूंगी। इसमें बटर लगा दिया अंदर की तरफ, और अब हम सॉस भी लगाएंगे साइडों पे, बीच में। ऐसे ही मैं सारा फिल करूंगी सारे सॉस से। इसमें पास्ता सॉस लगा ली है, पास्ता पिज़्ज़ा सॉस। अब इसके अंदर चीज़ डालेंगे। पहले सारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ डाल लें। चीज़ डालने के बाद हमने जो स्टफिंग बनाई है वो इसके अंदर ऊपर तक डालेंगे। मैं सारी स्टफिंग इसमें भर लूंगी। इसमें स्टफिंग भर ली है, अब इसके साइडों पे हम सारा ये बटर लगाएंगे, जिससे कि ये जब हम इसको ओटीजी में रखें तो हमारा ये क्रिस्पी बने। सारी साइड्स में हम बटर अच्छे से लगाएंगे। हम इसको बेक करेंगे। अब इसके ऊपर जो है पास्ता सॉस डालेंगे थोड़ी सी, और इसको ऐसे फैला देंगे। और अब
जो है चीज़ डालेंगे, अच्छे से चीज़ डालना जिससे कि उसका स्वाद आए अच्छा। अब हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे, इसको बेक करेंगे। बेक हो चुका है, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। अब हमारा पिज़्ज़ा पाव एकदम रेडी है और इसके ऊपर मैं ड्राइड हर्ब्स भी स्प्रिंकल करूँगी और ये खाने में बहुत ही यमी है। अभी देखिए हमने ये जो है इसका एक पीस कट करा है और ये देखिए कितना ज़बरदस्त है ये होगा ये खाने में। आप भी मेरी रेसिपी फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।